नहीं पसंद आया, बहुत ही मैं तो बोलूँ कि इट्स अ फ्लॉप, इट्स टोटली फ्लॉप, टोटली वेस्टेज। और नींद की गोली खाए या सुसाइड करके बाहर आ जाए, ऐसा हाल होगा। देखिए कंगना रनौत की धाकट किस खास तरीके से आपको पसंद है? कंगना रनौत मैम ने हमें निराश कर दिया। मैंने ट्रेलर देख के कहा था कि मुझे धाकड़ टूकी जो धाकड़ का सेकंड ट्रेलर आया था तो मुझे लगा कि ऑडियंस की बहुत रिस्पॉन्सेज आएंगे। हालांकि मुझे भूल भुलैया टू का ट्रेलर मैंने बोला था कि मुझे कुछ खास पसंद है, वो मूवी नहीं चलेगी, धाकड़ चलेगी, बट ये वाइस वसा हो गया। मैंने पहले भूल भुलैया टू देखी, मैं इतनी खुश हो गई, अब मैंने सोचा कि धाकड़ तो मुझे और खुश करेगी। मैं धाकड़ देखने चले गई, मुझे ऐसा लगा कि कब ये मूवी ख़त्म हो और मैं बाहर निकलूँ। कुछ नहीं है मूवी में देखने के लिए, कुछ भी नहीं है। कंगना रनौत मैम से जो एक्सपेक्टेशंस थे कि मैंने कहा था कि हमें कभी निराश नहीं करते, यहाँ पे उन्होंने हमें निराश कर दिया। अर्जुन रामपाल सर ने इतने सालों बाद कमबैक किया, हमें लगा कि कुछ अच्छा हो देखेंगे, बट लाइक नहीं पसंद आया, बहुत ही मैं तो बोलूँ कि इट्स अ फ्लॉप, इट्स टोटली फ्लॉप, टोटली वेस्टेज। ऑडियंस मत जाइए मूवी देखने के लिए। हालांकि मैंने कहा था कि दिस इज़ नाइस, शुड यू नो मस्ट वॉच होगी, मत जाइए। आप भूल भुलैया टू चले जाओ, वहाँ पे आप हंसोगे, आप खुश होगे, धाकड़ मत जाइए। काम के बारे में क्या कहना रहेगा, कंगना रनौत अर्जुन रामपाल के बारे में? काम के बारे में मैं क्या बोलूँ, काम दिख ही नहीं रहा है मुझे, काम मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ मुझे ऐसे शॉर्ट्स दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लाइक स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है एटलीस्ट थोड़ा तो एंटरटेनमेंट हो, कहीं एंटरटेनमेंट भी नहीं हो रहा है। एक्शन सीक्वेंस कुछ लगे कि नहीं कुछ ज़बरदस्त हो गए, वो भी एकदम फुस हो गए, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ देखने लायक ही नहीं है, इट्स टोटली वेस्टेज। अगर स्टोरी अगर अभी जैसे कि आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी पड़ गई पूरी पिक्चर? पूरी मूवी में ही कमी है। जो कॉन्सेप्ट लिया है ना वो कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं, रिवील नहीं करूँगी बट पहले देख चुके हैं, आप खुद समझ जाओगे कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे हमने देखा है, बस वही एक पार्ट है। एंड दूसरा मैं बोलूँ तो मुझे सच में ये मूवी को मुझे स्टार्स भी नहीं देना है, बस घर जाके सो जाओ। अरे रे रे रे। नहीं अब मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, थैंक गॉड मैंने भूल भुलैया टू पहले देख ली, अब धाकड़ देख ली है, अब हेड ओवर डिसिप्लिन लेके मैं सो जाऊंगी घर पे जाके, ऐसा हाल हो गया है मेरा। तो मैं तो बोलूंगी सपोर्ट फॉर कार्तिक आर्यन, ही नीड्स योर सपोर्ट। उन्होंने हमें फुल पैसा वसूल मूवी दिया है, एंटरटेनिंग है, फुल पैक एंटरटेनिंग है, कहीं पे भी सो सीन्स निराश करने वाला नहीं, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। यहाँ पे आओगे ना ऐसा लगेगा कि कोई यू नो वो नींद की गोली खाए या सुसाइड करके बाहर आ जाए, ऐसा हाल होगा। ओनली 8 to 10 पब्लिक इनसाइड द थिएटर, ओनली 8 to 10। और भूल भुलैया के लिए हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा था, वहाँ पे शोज हाउसफुल हो रहे हैं, एडवांस बुकिंग भी नहीं हो रही है। तो कंगना रनौत मैम को मैं बोलना चाहूँगी कि आपको हम क्वीन ऑफ बॉलीवुड बोलते हैं, अब मैं आपको क्या बोलूँ मैं आपको, मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है, मैं आपको क्या टाइटल दूँ अब। इट्स अ टोटली फ्लॉप मूवी ऑफ दिस मूवी। हीरोपंती टू तो मुझे नहीं अच्छी लगी थी, एंड वो जो बच्चन पांडे थे वो भी ओके लगी थी, जयेश भाई जोरदार ने तो कहीं भी दम नहीं था वहाँ पे, एंड यहाँ पे भी हम निराश हो गए। सिर्फ कश्मीर फाइल्स रनवे 34 के बाद मुझे ये भूल भुलैया टू पसंद आई, इट्स सुपर्ब। ऑडियंस गो फॉर भूल भुलैया टू बट डोंट गो फॉर धाकड़। अच्छा रेटिंग की बात करें तो 5 में से कितने स्टार? नो रेटिंग्स, 0 आउट ऑफ 5। थैंक यू सो मच।